हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की ट्रेन जानकारी होने वाली है 12854 अमरकंटक एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। ये ट्रेन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जंक्शन से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जंक्शन तक चलती है। भोपाल जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है BPL और दुर्ग जंक्शन का स्टेशन कोड है DURG। दोस्तों अमरकंटक एक्सप्रेस एक काफ़ी फेमस ट्रेन है जो कि इन दो बड़े शहरों को कनेक्टिविटी देने का काम करती है। ये ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलती है और साल के 365 दिन भोपाल से दुर्ग के लिए चलती है। आज की वीडियो इसी ट्रेन से रिलेटेड होने वाली है। ट्रेन से संबंधित आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताएंगे, जैसे कि ट्रेन का रूट कौन सा रहता है, ट्रेन के कौन कौन से स्टॉप हैं, किस स्टॉप पर कितना देर रुकती है, कौन से प्लेटफॉर्म पर आती है, ट्रेन का किराया क्या रहता है, इन जैसी तमाम जानकारी बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके अलावा किसी और ट्रेन से रिलेटेड अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उस ट्रेन का नंबर लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। भोपाल से दुर्ग जंक्शन तक के 885 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन 16 घंटे 5 मिनट में कवर करती है। इस दौरान ये ट्रेन 27 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए दुर्ग जंक्शन पहुंचती है। इस पूरी यात्रा के दौरान इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रहती है और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रहती है, जो कि बिलासपुर जंक्शन से रायपुर जंक्शन के बीच रिस्ट्रिक्टेड रहती है। यह एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जिसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीजन ऑपरेट करता है। ट्रेन में आपको नॉर्मल, तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों टाइप के तत्कालों की सुविधाएं मिल जाती हैं। केटरिंग और खान पान से संबंधित थोड़ी सी जानकारी बता दें, इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं रहता, लेकिन आप चाहें तो ऑनबोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं इस ट्रेन में। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन के बारे में। इस ट्रेन में आधुनिक LHB कोचेस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्पीड, सेफ्टी और कंफर्ट के लिहाज से बहुत ही बढ़िया कोचेस माने जाते हैं, जिसमें जनरल क्लास का 3 कोच रहता है, स्लीपर क्लास का 6 कोच रहता है, थर्ड AC इकोनॉमी का 1 कोच रहता है, नॉर्मल थर्ड AC 3 टायर का 7 कोच रहता है, सेकेंड AC का 2 कोच रहता है और एक कोच में फर्स्ट और सेकेंड AC को मिलाकर रहता है। लोकोमोटिव के बारे में बात करते हैं। इस ट्रेन में पूरी यात्रा के दौरान भोपाल जंक्शन से दुर्ग जंक्शन तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का यूज किया जाता है। ट्रेन का लोकोमोटिव कहीं भी चेंज नहीं होता और हमेशा इस ट्रेन का लोकोमोटिव WAP-7 रहता है जो कि इस ट्रेन का ऑफिशियल लिंक है। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में। जो किराया मैं आपको बताऊंगा वो इंडियन रेलवे द्वारा अपडेटेड और लेटेस्ट किराया है और ये किराया भोपाल से दुर्ग जंक्शन तक का पूरा कम्प्लीट किराया होगा। बट अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं इन फ्यूचर में तो इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर चेक कर लीजिए कि इस ट्रेन का किराया क्या रहता है, क्योंकि इंडियन रेलवेज में समय समय पे किराए में बदलाव किए जाते हैं। जनरल क्लास की बात करते हैं, इसका बेस पे रहता है 235 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपए, सुपरफास्ट चार्ज 15 रुपए, इन सबको ऐड करके जनरल क्लास का टोटल क्या रहता है 265 रुपए। स्लीपर क्लास का बेस पे रहता है 425 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपए, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपए, इन सबको ऐड करके स्लीपर क्लास का टोटल क्या रहता है 475 रुपए। थर्ड AC इकोनॉमी का बेस पे रहता है 1024 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपए, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपए, GST 56 रुपए, इन सबको ऐड करके थर्ड AC इकोनॉमी का टोटल क्या रहता है 1165 रुपए। नॉर्मल थर्ड AC का बेस पे रहता है 1110 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपए, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपए, GST 60 रुपए, इन सबको ऐड करके थर्ड AC का टोटल क्या रहता है 1255 रुपए। सेकेंड AC की बात करते हैं, इसका बेस पे रहता है 1595 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपए, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपए, GST 85 रुपए, इन सबको ऐड करके सेकेंड AC का टोटल क्या रहता है 1775 रुपए। फर्स्ट AC का बेस पे रहता है 2708 रुपए, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपए, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपए, GST 142 रुपए, इन सबको ऐड करके फर्स्ट AC का टोटल क्या रहता है 2985 रुपए। ये सब जो किराया मैंने आपको बताया ये सब मैंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के द्वारा बताया है। आप चाहें तो रिजर्वेशन काउंटर पर चेक कर सकते हैं जब आपको यात्रा करनी हो, क्योंकि इंडियन रेलवेज अपने किराए में समय समय पे बदलाव करता रहता है। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के रूट, स्टॉप और टाइम टेबल के बारे में। ये ट्रेन भोपाल जंक्शन से रवाना होने के कम से कम आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आकर लग जाती है और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से इस ट्रेन का डिपार्चर होता है। यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है शाम के 4 बजे का। टाइम टेबल के अलावा ये ट्रेन कौन से स्टेशन पर किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है ये भी मैंने बताया वीडियो में आगे, लेकिन अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं तो अपने स्टेशन पर एक बार जरूर चेक कर लें कि ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। पहला स्टॉप है रानी कमलापति, यहाँ पर ट्रेन शाम के 4:11 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है और 4:13 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का होल्ड है। दूसरा स्टॉप है नर्मदापुरम, यहाँ पर ट्रेन शाम के 5:13 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 5:15 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का होल्ड है।
तीसरा स्टॉप है इटारसी जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन शाम के 5:40 पर नंबर 5 पर पहुंचती है और 5:55 पर रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। चौथा स्टॉप है सोहागपुर। यहाँ पर ट्रेन शाम के 6:34 पर नंबर 1 पर पहुंचती है और 6:35 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है। पांचवा स्टॉप है पीपरिया। यहाँ पर ट्रेन शाम के 6:48 पर नंबर 1 पर पहुंचती है और 6:50 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। छठवा स्टॉप है बनखाड़ी। यहाँ पर ट्रेन शाम के 7:04 पर नंबर 2 पर पहुंचती है और 7:05 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है। सातवां स्टॉप है गोडरवाड़ा। यहाँ पर ट्रेन शाम के 7:24 पर नंबर 1 पर पहुंचती है और 7:25 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है। आठवां स्टॉप है करेली। यहाँ पर ट्रेन शाम के 7:47 पर नंबर 1 पर पहुंचती है और 7:48 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है। नौवां स्टॉप है नरसिंहपुर। यहाँ पर ट्रेन रात के 8:02 पर नंबर 1 पर पहुंचती है और 8:04 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। दसवां स्टॉप है श्रीधाम। यहाँ पर ट्रेन रात के 8:27 पर नंबर 2 पर पहुंचती है और 8:28 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है। ग्यारहवां स्टॉप है मदन महल। यहाँ पर ट्रेन रात के 9:12 पर नंबर 4 पर पहुंचती है और 9:14 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। बारहवां स्टॉप है जबलपुर। यहाँ पर ट्रेन रात के 9:25 पर नंबर 5 पर पहुंचती है और 9:35 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। तेरहवां स्टॉप है सिहोरा रोड। यहाँ पर ट्रेन रात के 10:13 पर नंबर 1 पर पहुंचती है और 10:15 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चौदहवां स्टॉप है कटनी साउथ। यहाँ पर ट्रेन रात के 11:00 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 11:02 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। पंद्रहवां स्टॉप है उमारिया। यहाँ पर ट्रेन रात के 12:26 पर नंबर 1 पर पहुंचती है और 12:28 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। सोलह स्टॉप है बीरसिंहपुर। यहाँ पर ट्रेन रात के 12:49 पर नंबर 1 पर पहुंचती है और 12:51 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। सत्रहवां स्टॉप है शहडोल। यहाँ पर ट्रेन रात के 1:34 पर नंबर 1 पर पहुंचती है और 1:36 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। अठारहवां स्टॉप है बरहाल। यहाँ पर ट्रेन रात के 1:52 पर नंबर 1 पर पहुंचती है और 1:54 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। उन्नीसवां स्टॉप है अमलाई। यहाँ पर ट्रेन रात के 2:03 पर नंबर 3 पर पहुंचती है और 2:05 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। बीसवां स्टॉप है अनूपपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात के 2:25 पर नंबर 1 पर पहुंचती है और 2:28 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। इक्कीसवां स्टॉप है पेंड्रा रोड। यहाँ पर ट्रेन रात के 3:07 पर नंबर 1 पर पहुंचती है और 3:09 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। बाईसवां स्टॉप है उसलापुर। यहाँ पर ट्रेन सुबह 4:55 पर नंबर 1 पर पहुंचती है और 5:05 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। तेईसवां स्टॉप है भटपारा। यहाँ पर ट्रेन सुबह 5:06 पर नंबर 5 पर पहुंचती है और 5:48 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चौबीसवां स्टॉप है टिल्डा न्योरा। यहाँ पर ट्रेन सुबह 6:08 पर नंबर 2 पर पहुंचती है और 6:10 पर रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। पच्चीसवां स्टॉप है रायपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह 6:55 पर नंबर 1 पर पहुंचती है और 7:00 रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। छब्बीसवां स्टॉप है भिलाई पावर हाउस। यहाँ पर ट्रेन सुबह 7:31 पर नंबर 2 पर पहुंचती है और 7:33 से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। सत्ताईसवां स्टॉप और ट्रेन का डेस्टिनेशन है दुर्ग जंक्शन। यहाँ पर यह ट्रेन आपको सुबह के 8:05 पर नंबर 1 पर पहुंचा देती है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।